तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब यही है कि जिस एल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी हो, एक हो, क्योंकि मोनो माने क्या होता है, एक, तो मोन और इसके पहले क्या लग जाएगा, आर। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण, आज इसमें का जो रासायनिक गुण हमको पढ़ना है, वो रासायनिक गुण हमको पढ़ना है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। तो निर्जलीकरण किसे कहते हैं, निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में से हमको जल के अणु को क्या करना है, बाहर करना है। तो किसी भी यौगिक में से अगर जल का अणु निष्कासित होगा, बाहर निकलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका निर्जलीकरण हो गया। जैसे हमने लिख दिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अगर ऐसे लिखा जाए आर सी एच टू OH समूह की संख्या एक है, तो इसका मतलब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसका जो निर्जलीकरण होगा, वो निर्जलीकरण होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या इसके स्थान पर हम एलुमिना भी ले सकते हैं। जैसे परीक्षा में आता है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार आया ये एथिल एल्कोहल। अभी ये जनरल अभिक्रिया है, एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल या एलुमिना, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा एलुमिना की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तो होगा क्या इसमें, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु इस OH में जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, RCH, और यहाँ बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हो गया CH2 जो यहाँ पर लगा हुआ था, और इसमें का जो हाइड्रोजन यहाँ पर गया, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। यानी कि इसने जल के अणु को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे एल्कोहल का ये निर्जलीकरण है। और कोई भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगी, अगर उसका निर्जलीकरण होगा सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा एलुमिना के द्वारा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमेशा क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, कोई भी एल्कीन बन सकती है। अगर ये एथिल एल्कोहल होगा, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, R के स्थान पर H कर देंगे, और जब H कर देंगे तो वो H इसमें जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, CH3, और इसी प्रकार से ये लिख गया CH2OH, ये एथिल हो गया और ये एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या एलुमिना Al2O3 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, तो इसमें का एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन का नाम क्या हो गया, दो कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो एथीन या एथिलीन, और यहाँ पर बन गया ये H2O। कैसे परिवर्तित करेंगे एथिल एल्कोहल को एथीन में या एथिलीन में, इसमें थोड़ा सा, लेकिन एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, परीक्षा में आया हुआ है कई बार, सभी जितने भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे उसका एल्कीन में परिवर्तन हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन जो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है ये नहीं होता है, मेथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण नहीं होता, क्योंकि मेथिल एल्कोहल में कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन नंबर की एल्कीन जो होती है वो पाई नहीं जाती है, इसलिए मेथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण नहीं होगा। जैसे अगर चार ऑप्शन दे दिया जाए कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और RR और CHOH, ऐसे लिख दिया जाए, इसमें से कहा जाए कि इसमें से कौन सा एल्कोहल का निर्जलीकरण नहीं होगा, तो ये मेथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण नहीं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, और ये भी परीक्षा में आया है कई बार, दूसरा जो इसमें का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो निर्जलीकरण है
इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील अल्कोहल होती है वो तृतीय अल्कोहल होती है। तृतीय अल्कोहल के बाद सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे अंत में प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि जो तृतीय अल्कोहल होगी, कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ जैसे तृतीय अल्कोहल, जैसे प्राथमिक अल्कोहल का क्रियात्मक समूह ऐसे लिखेंगे RCH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है। अगर CH2OH लगा है तो ये प्राथमिक अल्कोहल है। इसमें से एक H को और बाहर कर दिया जाए तो एल्किल कितने हो जाएंगे, दो, और यहाँ पर हो जाएगा CHOH। ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और यहाँ पर एक एच को और बाहर कर दिया जाए तो आर कितने हो जाएंगे, तीन, और ये हो जाएगा COH, ये तृतीय अल्कोहल है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि किस अल्कोहल का निर्जलीकरण बहुत तीव्र गति से होगा, तो जो तृतीय अल्कोहल होगी, यानी कि ये जिसमें COH क्रियात्मक समूह लगा हो और उसमें एल्किल समूह की संख्या कितनी हो, तीन, तो उस अल्कोहल का निर्जलीकरण जो होगा बहुत तीव्र गति से होगा, उससे थोड़ी धीमी गति से सेकेंडरी अल्कोहल का होगा और सबसे धीमी गति से प्राइमरी अल्कोहल का। तो ये हो गया अल्कोहल का निर्जलीकरण। इस निर्जलीकरण में सबसे पहले चीज़ हमको ये जानना है कि कोई भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो उसका निर्जलीकरण किसके द्वारा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल या एलुमिना के द्वारा। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस में बदल जाएगी, एल्कीन में बदल जाएगी, पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा चीज़, मेथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण नहीं होगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो निर्जलीकरण है उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, तृतीय अल्कोहल, थोड़ा कम क्रियाशील सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम क्रियाशील प्राथमिक अल्कोहल। ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में आते हैं। ये निर्जलीकरण के बाद जो अगला रासायनिक गुण है वो है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, तो एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होगा वो ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा, अम्लीय, अम्लीय सोडियम या अम्लीय सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। ये सोडियम डाइक्रोमेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और ये क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। या तो इसके द्वारा ऑक्सीकरण होगा या ऑक्सीकरण होगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा होगा, इनके द्वारा ऑक्सीकरण होगा। और जब ऑक्सीकरण होगा तो होगा क्या, पहला पॉइंट, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये शुरुआत में जब इस चैप्टर को मैंने चालू किया था तो बताया था कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है यानी कि ROH, ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी अल्कोहल, एक होती है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक होती है टर्शियरी अल्कोहल। तो जो प्राथमिक अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है और तृतीय अल्कोहल है, ये तीनों प्रकार किसमें का है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, यानी कि OH समूह की संख्या यहाँ कितनी है, एक, तो OH समूह की संख्या यहाँ भी एक होगी, यहाँ भी एक होगी और यहाँ भी एक होगी। लेकिन अंतर क्या है, जो प्राथमिक अल्कोहल है इसका क्रियात्मक समूह होगा CH2OH, और ये केवल एक एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा होगा, एक एल्किल समूह। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसमें से एक एच हमको और कम कर दे रहा है, तो ये बचेगा क्या, CHOH, और इसमें जो एल्किल समूह है वो कितने हो जाएंगे, दो, ऐसे R R। और जो तृतीय अल्कोहल है इसमें से ये वाला एच भी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, COH, और एल्किल समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन, R R R। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के तीन प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और ये तृतीयक।
तो सबसे पहले जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो हमारा ये प्राथमिक अल्कोहल है यानी कि RCH2OH, इसका हमको ऑक्सीकरण करना है। और ऑक्सीकरण किसके द्वारा करना है, इसी के द्वारा करना है या इसके द्वारा करना है? तो चले हमने जैसे मान लीजिए उसको लिख दिया Na2Cr2O7 और अम्लीय है तो साथ में हमने कोई भी अम्ल लगा दिया ये, और ऑक्सीकरण होगा जब ये ऑक्सीकरण हो गया तो यहाँ से ये हमारा जल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, H2O निकलेगा। तो यहाँ बचेगा क्या, RCHO एल्डिहाइड बना, यानी कि RCHO प्लस जल। तो अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राथमिक अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीकरण करने पर हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जैसे अगर इसको यच कर दिया जाए R के स्थान पर यच, तो यहाँ पर ये यच इसमें जुड़ जाएगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। तो जब मेथिल अल्कोहल हो जाएगा तो R के स्थान पर हमने यच किया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यच HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगर इसको एथिल कर दिया जाए यानी कि यहाँ पर CH3 कर दिया जाए तो CH3CH2OH एथिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ये तो प्राथमिक अल्कोहल की ये इसकी बात हुई। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये, तो RRCHOH इसका ऑक्सीकरण होगा इसी के द्वारा, ये जल निकल जाएगा H2O, तो ये बनेगा क्या RRC और ये वाला O इसमें जुड़ेगा डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है, कीटोन है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीकरण करने पर क्या बनाएगी, कीटोन बनाएगी, और ये एल्डिहाइड है। और जो टर्शियरी अल्कोहल है RRR और यहाँ पर COH, इसमें सबसे मेन चीज एक क्वेश्चन इसमें यह है कि कौन सी अल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होगा इसका ऑक्सीकरण जो होता है वो सामान्य परिस्थितियों में बहुत तेजी से हो जाता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। और इसका जो ऑक्सीकरण है तृतीयक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में होता ही नहीं है, बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होगा। और जब ये ऑक्सीकृत होगा तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण बनाएगा। पहली बात तो ये ऑक्सीकृत होगा ही नहीं, और अगर ऑक्सीकृत होगा भी तो बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण देगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर क्या देगा, कीटोन देगा। जो टर्शियरी अल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगर प्रबल अम्लीय माध्यम है और प्रबल क्षारीय माध्यम है तो उस परिस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाएगा थोड़ी मात्रा में, और ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण बनाए। तो ये क्वेश्चन इसमें तैयार करना है। तो ये तो हो गया इसके ऑक्सीकरण की बात। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया और है, उसे बोलते हैं हम वी हाइड्रोजनीकरण। इसमें पहले क्या शब्द लगा हुआ है, वी का मतलब होता है निकलना, तो वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का निकलना ये वी हाइड्रोजनीकरण है। कैसे निकलेगा ये, इसी प्रकार से करना हमको। प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं पहले RCH2OH और इसका वी हाइड्रोजनीकरण होगा कॉपर के साथ, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इसका वी हाइड्रोजनीकरण होगा। तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन कहाँ, ये H2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या RCHO, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल
वी हाइड्रोजनीकरण करने पर क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। ऑक्सीकरण करने पर भी एल्डिहाइड देगा और वी हाइड्रोजनीकरण करने पर भी एल्डिहाइड देगा। दूसरा नंबर सेकेंडरी अल्कोहल आर आर सी एच ओ एच कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है तो हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, H2 निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या? कीटोन। तो ये हो जाएगा R R C डबल बॉन्ड O प्लस H2, कीटोन बन गया। अब इसको ले लेते हैं तृतीय अल्कोहल ये अपवाद वाला कंडीशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तृतीय अल्कोहल R R R और यहाँ पर सी ओ एच कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। अब थोड़ा इसमें अभिक्रिया समझना है तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे कर देते हैं, तीन आर लगा है, तीन आर का मतलब यहाँ पर हम तीनों को कर देते हैं मेथिल मान लें, यहाँ पर भी मेथिल एल्किल है, यहाँ पर भी मेथिल और यहाँ पर भी मेथिल कर दिया हमने। और अगर थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिखा जाए तो इसको हम ऐसे कर दें सी ओ एच कर देते हैं और सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी एच थ्री, भाई सी ओ एच हो गया एक आर दो आर और ये तीन आर। अब इसमें होगा क्या, इस ओ एच हो रहा है वी हाइड्रोजनीकरण, इसका नाम क्या है? वी हाइड्रोजनीकरण। लेकिन यहाँ पर वी हाइड्रोजनीकरण ना होकर के निर्जलीकरण होगा तो ये हाइड्रोक्सिल हो गया और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? सी एच टू। और जब सी एच टू बचेगा तो ऐसे लिखते हैं हम, ये सी एच टू बचेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो जाएगा सी एच टू, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हो गया सी एच थ्री और यहाँ पर भी क्या हो गया सी एच थ्री और ये यहाँ पर क्या बन गया एच टू ओ, डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है। तो इसका मतलब जो तृतीय अल्कोहल होगा उसका जब भी हाइड्रोजनीकरण होगा तो भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, निर्जलीकरण होगा, लेकिन अभिक्रिया भी हाइड्रोजनीकरण ही पढ़ी जाएगी और भी हाइड्रोजनीकृत होकर के वो किसका निर्माण करेगा? एल्कीन बनाएगा। तो सबसे पहला चीज प्राथमिक अल्कोहल का जब भी हाइड्रोजनीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण होगा तो कीटोन बनेगा और तृतीय अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण होगा तो क्या बनेगा? एल्कीन। ठीक है, ऑक्सीकरण जब होगा तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड ही बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन ही बनाएगा, लेकिन जो तृतीय अल्कोहल है उसका सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होगा, बहुत जटिलता से ऑक्सीकृत होकर के वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण बनाएगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने का परीक्षण लिखिए, तो इन दोनों को ऑक्सीकरण विधि और ये बी हाइड्रोजनीकरण विधि इसको हम लिख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अंतर है कि नहीं है ये भाई। जैसे मान लीजिए तीन बोतल है, एक में प्राथमिक, एक में द्वितीयक और एक में तृतीयक अल्कोहल रखा है, तीनों का रंग वगैरह एकदम सेम है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्राथमिक है, इसमें द्वितीयक है और इसमें तृतीयक है? तो प्राथमिक अल्कोहल वही होगा जब उसका भी हाइड्रोजनीकरण होगा तो एल्डिहाइड बने, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा और जो तृतीयक अल्कोहल है वो एल्कीन बनाएगा। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रासायनिक गुण आज पूरी तरह से समाप्त हो गए।